जंगली तेंदुए की खाल, जंगली सांबर जानवरों के दो सींग और 28 लाख की कीमत का 18 किलो जंगली बिल्ली की खाल जब्त की गई है। महात्मा गांधी पुलिस को एक पुख्ता सूचना मिली कि मिरज में डाकघर के पास जकात नाके के सामने एक आदमी जंगली जानवरों की खाल की तस्करी करने आ रहा है। सहायक पुलिस निरीक्षक रविराज फर्नीस, सहायक वन संरक्षक युवराज पाटिल और उसके कर्मचारी और महात्मा गांधी पुलिस चौकी के मिरज पोस्ट ऑफिस पुराने जकात नाके पर पहुंची। ग्राम पंचायत हसने राधानगरी जिला कोल्हापुर के कदमवाड़ी पोस्ट फैजीवाड़े निवासी 55 वर्षीय अशोक सदाशिव कदम उस स्थान पर सफेद और दो पीले बैग लेकर साथ मिला, खड़ा मिला। उस जगह पर शक हुआ तो बैग को खोलकर देखा तो उसमें 9 लाख के तेंदुए की खाल, 1 लाख रुपए की कीमत के सांबर नामक जंगली जानवर के दो सींग, 18 लाख की खुरदुरी बिल्ली और उसके शरीर पर 18 किलो पपड़ीदार खाल थी। कुल मिलाकर 28 लाख रुपए की उपस्थिति में पंचनामा करके जब्त कर लिया गया और अशोक सदाशिव कदम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपनिरीक्षक राजू अनुछत्री, कुमार पाटिल, अमोल आवले, बसवराज कुटगोल, प्रवीण हुक्केरे ने फिलहाल कार्रवाई की है। इस संबंध में आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक कुमार पाटिल द्वारा सहायक पुलिस निरीक्षक रविराज फर्नीस के मार्गदर्शन में की जा रही है। माननीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बसवराज तेली सरांनी अवैध धंद्यावर किंवा ज्या हद्दीमध्ये ज्या तस्करी वगैरे होतात त्याबद्दल कारवाई करण्याबाबत आदेश दिलेले होते। त्यानुसार काल रोजी आम्हाला एक गोपनीय माहिती बातमीदाराद्वारे माहिती मिळाली की एक व्यक्ती वन्य प्राण्यांची काही आर्टिकल घेऊन हद्दीमध्ये विक्रीच्या उद्देशाने फिरत आहे। त्यानुसार आम्ही पोलीस स्टेशनच्या स्टाफमार्फत तिथं सापळा लावून त्याला ताब्यात घेतलं। त्याच्या ताब्यामध्ये आम्हाला एक बिबट्याचं कातडं,